कड़ाके की ठंड में जहां लोग अपने घर में कंबल के नीचे सोए रहते हैं, अपने बच्चों को अलाव के सहारे जिंदा रख रहे हैं, अलाव के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, वहीं एक महिला एक बच्चे को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाहर खड़ी है। क्या मामला है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप छोटे बच्चे को गोद में लेके इस कड़ाके की ठंड में राजधानी पटना के सड़क पर हैं? मामला ये है भैया कि मेरे बड़े वाले जेठ हैं, उनको चार बेटा हैं, चार बेटा तीन बहू, एक बेटी उनका एक दामाद भी है। उस सब मिल के मेरे को दिसंबर में 2 बजे रात को मुझे दरवाज़ा तोड़ के घुस के मेरे और मेरे पांच बेटी को और मेरे पति को सबको मारा, और सबको मार के घर से निकाल भी दिया। और निकालने के बाद मेरे बेटी को जो लैपटॉप था, मेरे बेटी को जो भी सामान था वो सब छीन लिया है, ले लिया है, पढ़ने का जो भी सामान था वो सब ले लिया है। अब मांग रहे हैं पुलिस के, ले के गए सामने में सामान लेने के लिए, पुलिस के सामने मुझे चप्पल दिखाया, पुलिस वहाँ खड़ा था, नदी थाना के पुलिस एक गाड़ी गया था सामान लेने। कौन सा थाना बताएं? नदी थाना, फतुहा नदी थाना, एक गाड़ी पुलिस गया वहाँ पड़ी। सामान हम लेने गए थे कि हमारे बच्ची के कम से कम दे देगा पढ़ने के लिए सामान, तो उसके सामने में उसका बेटा पुलिस के सामने में मेरा चप्पल उठाया और डंडा भी उठाया, अंदर घुसने नहीं दिया, घुसने गए तो खहेद के निकाल दिया। पुलिस क्या बोला कि आप चले जाइए यहाँ से, अभी ये सब मार करेगा, ऐसे करके बोला। मैं वहाँ से निकल दिए, मैं कुछ नहीं किया। अब पुलिस के सामने ऐसे हो रहा है तो मैं कैसे कहाँ रहूँगा, कौन हमको अब हेल्प करेगा? मैं एसपी के भी पास गया हूँ। एसपी से क्या बातें हुई, एसपी क्या आश्वासन दिए आपको? वो आश्वासन सब ये देता है कि आप वहाँ नहीं रहिए। अभी बताइए वहाँ हम नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मतलब पुलिस कह रही है कि आप अपने घर को छोड़ दीजिए, जमीन को छोड़ दीजिए। हाँ, कहाँ के एसपी से बात हुई है आपकी? ये कौन सा एसपी यहाँ पर बात की है बता दो मेरे को। क्या नाम है उनका? विनय सर से हम बात किए हैं, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं मुझे, मैं क्या करूं बताइए, अब कहाँ रहूं? मैं पांच बेटियाँ के लेके कहाँ रहूं? मैं पढ़ाया लिखाया सर्विस में एक पति कमाया, मैं पांच बेटी एक बेटा को पढ़ाया लिखाया, मेरे पास पैसा नहीं है। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि अलग रहो, मैं कहाँ रहूंगी अभी? जहाँ आपका घर है वो घर किस थाना के अंतर्गत आता है? नदी थाना के अंदर आता है। वहाँ के थाना अध्यक्ष भी यही बात बोल रहे हैं कि घर ही छोड़ दीजिए। हाँ, वो भी यही बात बोल रहे हैं, वो साथ में मतलब जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक तो मैं बोली कि सिलेंडर निकलवा दीजिए, कम से कम रेंट पर रह रहा हूँ तो बना के तो खाना खाएंगे। ये घटना कब घटी है? ये घटना हो गई, एक साल हो जाएगा, मेरे को रात में मारपीट किया है जो, ऐसे 1.5 साल से मारपीट हमको कर रहा है लगातार, ये घटना घट रही है। हाँ, हमने उसके ऊपर केस भी किए हैं, जो केस वहाँ नदी थाना में किए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे तो ऑनलाइन आवेदन किए थे? हाँ, 1.5 साल पहले आवेदन किए हैं, मोबाइल में है मेरा। तो अभी तक आपको मिलने का ये नहीं आया? नहीं, है कुछ नहीं आया है, मिलने के लिए कुछ आता ही नहीं है। जी, हमारे सास जब मरी तो मिलने नहीं दिया, मेरे सास से भी नहीं मिलने दिया। कौन नहीं मिलने दिया? मेरे जेठ के लड़का और जेठ नहीं मिलने दिया। यानी आपका ये पारिवारिक ही मामला है, परिवार के लोग ऐसा कर रहे हैं? हाँ। तो देखिए पारिवारिक मामला है, लेकिन खास बात यह है कि जहाँ इनका घर है फतुहा में और जिस थाना के अंतर्गत इनका घर आता है, उस थाना के थाना अध्यक्ष का कहना है कि आप घर को छोड़ दीजिए। जिस पुलिस की जिम्मेदारी है कि मामले का निपटारा करे, मामले को सुलझा दे, वो पुलिस यह कह रही है कि आप अपने घर को छोड़ दीजिए, अपने ज़मीन को छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि इन्होंने एसपी से बात की तो एसपी का भी यही कहना है कि आप घर को छोड़ दें। एक साल से यह घटना इनके साथ चल रही है और लगातार नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो इनके द्वारा लग नहीं पा रही है। हालांकि इन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, लेकिन जो मिलने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है। और एक साल से यह महिला लगातार हर सोमवार को जब जब जनता दरबार लगता है तो यूं ही नीतीश कुमार के जनता दरबार के कार्यक्रम के बाहर आकर खड़ी रहती है, इस इंतज़ार में कि नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात हो जाएगी। बहरहाल मुलाकात तो नहीं हो रही है, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इनका कहना है कि एक साल से पारिवारिक मामले में ये उलझी हुई हैं और सड़क पर हैं। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।